हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल गुंजन डायरी। में आज मैं आपके लिए लाई हूँ रेड सॉस पास्ता, वो भी बिल्कुल देसी स्टाइल में। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी, और पसंद आया तो मेरे चैनल को लाइक करें, नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को पुश करना ना भूलें। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने एक पैन में 2 कप पानी डाला है और इसको हम अच्छे से बॉयल कर लेंगे। तो ये देखिए हमारा पानी अच्छे से बॉयल हो गया है, तो अब हम इसमें अपना पास्ता डाल देंगे। तो यहाँ पे मैंने 1 कटोरी पास्ता लिया है और इसको हम अच्छे से गला लेंगे। तो देखिए हमारा अच्छे से पास्ता तैयार हो गया, तो अब हम इसको चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए हमारा पास्ता बिल्कुल परफेक्ट तैयार है। तो अब हम इसको किसी स्ट्रेनर में छान लेंगे। और यहाँ पे पैन में मैंने 2 टेबलस्पून ऑयल लिया है, रिफाइंड ऑयल, और उसमें हम 1 प्याज रफली चॉप की हुई इसमें ऐड कर देंगे। और इसके साथ ही हम इसमें 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देंगे और इसको हम 5 सेकंड तक अच्छे से पका लेंगे। तो ये देखिए हमारा अदरक अच्छे से पक गया है। तो अब हम यहाँ पे गाजर डाल देंगे रफली चॉप की हुई। तो 2 सेकंड तक हम इसको ऐसे चला लेंगे, इसको ज़्यादा पकाना नहीं है। और इसी के साथ अब हम इसमें शिमला मिर्च अपनी ऐड कर देंगे और इसको भी बस ज़्यादा नहीं, 5 सेकंड तक बस थोड़ा सा सौते कर लेंगे। तो ये हमारा बिल्कुल परफेक्ट तैयार है। और अब हम इसमें 2 बड़े टमाटर, उसकी मैंने प्यूरी बना ली है, इसमें ऐड कर लेते हैं। और इसके साथ ही हम इसमें 1 चम्मच नमक डाल देंगे ताकि हमारा टमाटर अच्छे से गल जाए। तो ये मैंने टमाटर में नमक डाल दिया है और इसको अब हम अच्छे से ढक के पकाएंगे। तो देखिए 1 मिनट बाद मैंने ढक्कन हटाया, तो ये हमारा टमाटर अच्छे से गल गया है और ऑयल भी रिलीज कर दिया है। तो अब हम इसमें अपने देसी मसाले डालेंगे। तो यहाँ पर मैंने 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच गरम मसाला, 1 चम्मच धनिया पाउडर और 1/2 चम्मच काली मिर्च और थोड़ा सा ज़ीरा पाउडर डाला है। तो अब हम इसको अच्छे से मसालों को इसमें मिला लेंगे और थोड़ी देर अच्छे से इसको भूनेंगे। तो यहाँ पे मेरा मसाला रेडी है। अब मैंने इसमें 1 क्यूब के करीब बटर डाल दिया है और थोड़ी देर हम इसको और पकाएंगे। और इसी के साथ हम यहाँ पे 2 टेबलस्पून भर के टोमेटो सॉस डाल देंगे। तो बस हमारा स्मूथ सी ग्रेवी तैयार है। और अब हम इसमें थोड़ा सा मोज़रेला चीज़ डाल देंगे। आपके पास अगर स्लाइस वाली हो तो आप वो भी डाल सकते हैं। और अब हम इसमें अपने उबले हुए पास्ता ऐड कर लेंगे। तो और इसको हम थोड़ा सा मिला लेंगे। तो ये हमने मिला लिया है। अब हम इसमें 30 सेकंड के लिए ढक्कन लगा देंगे। तो 30 सेकंड के बाद देखिए हमारा पास्ता रेडी रहा है। अब हम इसमें धनिया की पत्ती से इसको गार्निश कर लेंगे। तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको मेरा ये देसी स्टाइल का पास्ता कैसा लगा। और पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक करें, नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को पुश करना ना भूलें। तो ऐसे ही मज़ेदार रेसिपी को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।